ये जो मन्नत नियत जो रहती है, जैसे मन्नत, जैसा फलाना मेरा कुछ दुख रहा है या फलाना मेरा काम हो जाएगा तो मैं इतनी रकात नमाज पढ़ूंगा, अदा करूंगा शुक्राने की, तो इस ताल्लुक से कैसे जाए सके? भाई ने एक सवाल किया कि नज़र मांगने का मन्नत जिसको बोलते हैं ये कैसा है? तो देखिए, नज़र का मांगना जायज़ है, मांग ली जाए तो पूरा करना वाजिब है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मांगना पसंद नहीं किया। तीनों चीज़ें एक साथ, नज़र का मांगना जायज़ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया, लेकिन मांग ले तो पूरा करना वाजिब है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत में फरमाया, सहाबा की एक सिफत बयान की और फरमाया, जब नज़र मांगते हैं तो पूरा करते हैं, ये सहाबा की एक सिफत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद क्यों नहीं किया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ताला नज़र के जरिए कंजूस से माल निकलवा लेता है, तो मांगना तो जायज़ हुआ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसको पसंद नहीं किया। मतलब हमेशा ही सदका करते रहो, हमेशा ही एक्स्ट्रा नाफिल वगैरह पढ़ते रहो तो ये मसला नहीं आएगा, लेकिन मांग सकते हैं, जायज़ है, हलाल है, कोई हर्ज नहीं। माई आयशा ने नज़र मांगी थी, हमने पिछले एक सीरत के वाक़े में देखा था, उनको बुरा लगा जब उन्होंने तोड़ा उस नज़र को, और नज़र मांगने के बाद अगर किसी को तोड़ना पड़े तो कफ़ारा वही जो ख़सम का कफ़ारा है, 10 मिस्किनों को खिलाना, 10 मिस्किनों कपड़े पहनाना, एक गुलाम आज़ाद करना, या फिर 3 दिन के रोज़े। मन्नत जो इंसान मांगता है या नज़र मांगता है उसका कफ़ारा वही है जो ख़सम का कफ़ारा होता है, याद रखें, ठीक है? तो अगर तोड़ता है तो कफ़ारा देना पड़ेगा उसका, मतलब जिस चीज़ का कफ़ारा देना है मतलब वो चीज़ का करना वाजिब है। तो नज़र मांग सकते हैं, जायज़ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया, लेकिन जायज़ है, मांग ले तो पूरा करना वाजिब है, ना कर सके तो फिर उसका कफ़ारा देना पड़ेगा। लेकिन एक एहतियाती चीज़ जो उलमा लिखते हैं वो ये है, नज़र के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नज़रें ना मांगी जाए। अल्लाह ने यहाँ पे कितने रोज़े फ़र्ज़ किए साल में? 1 महीने के, ना, तो नज़र इससे कम होना चाहिए। हाँ, पर ऐसे भी लोग हैं जो नज़र कैसी मांगते, मेरा बच्चा 10th पास होगा, 2 महीने के रोज़े रखूँगी। अल्लाह आपको 1 महीने के रोज़े रख रहा है, आप 2 की नज़र मांग रहे हैं, क्या ये नज़र हराम है? 2 महीने की मांग नहीं, हराम नहीं है भाई, इतना बर्डन क्यों ले रहे हो अपने आप पे? आप, मेरा बच्चा 10th पास हो गया तो बोले मैं 1000 रकात नमाज पढ़ूंगी। 1000 रकात? आप दिन भर में सिर्फ 17 रकात फर्ज पढ़ते हैं और 3 वितर मिला ले उसके अंदर 20 रकात पढ़ते हैं सिर्फ, 1000 रकात किसको बोलते हैं? अच्छा, मांग लेते और बाद में हो रही है। तो नज़र का फिर वबाल भी आता है, याद रखिए, पूरा करना पड़ता है। फिर कफ़ारा दो, नहीं तो वही जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है? कुरान के अंदर एक आयत के अंदर पूरा वो है कि इसका कफ़ारा क्या है, वो देख सकते हैं आप, तफसीलात में जाना है आपको, तो ठीक है। तो बहरहाल ऐसी मांगे फिर कि जैसा अल्लाह ये काम होगा, 2 रकात शुक्राना, 2 रोज़े, 1 रोज़ा रख लूँगा, या 1 फुला कर दूँगा, 100 रुपये सदका कर दूँगा, जो आपके लिमिट्स में, रेंज में, और जो आप कर सकते हो, तो ऐसा मांगने में इंशाल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोज़ाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।